नमस्कार दोस्तों, आज दमन में फिर दो पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं, जिसके चलते 41 केस एक्टिव है। दादरा नगर हवेली में आज 6 मामले पाए गए। कुल 62 केस में से फिलहाल 41 केस एक्टिव है। दीव की परिस्थिति में आज आरोग्य विभाग ने 1900 सैंपल लिए हैं। अब तक 12 केस एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज मंगलवार आषाढ़ी बीज के मंगल पर्व में भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा का पूरा भारतवर्ष में आयोजन हुआ। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष सोशल डिस्टेंस के चलते कुछ खास जगह पे ही रथ यात्रा का आयोजन किया गया। दमन में भी पिछले 2 साल से भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा धूमधाम एवं हर्षोल्लास से निकाली जाती थी, मगर इस साल कोरोना महामारी के चलते सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी थी। इसलिए परिस्थिति के अनुसार आयोजकों ने इस वर्ष से जलाराम मंदिर, सर्वोदय सोसाइटी, 3 बत्ती मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और बलराम जी की छवि स्थापित करके सुबह और शाम आरती करने का निर्णय लिया, जिसमें सीमित मात्रा में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रखी गई एवं सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। दमन भाजपा ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कोविड-19 के संक्रमण के कारण कार्यकर्ताओं की उपस्थिति कम देखने को मिली। दोस्तों, दीव से बड़ी खबर आई है। दीव के कुंदम गांव के ऐतिहासिक गंगेश्वर महादेव रोड पे बड़े पैमाने में खड्डे पड़े देखने को मिले। पुलिस प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जगह की मुलाकात ली और आने जाने पर रोक लगा दी। रिपोर्टिंग बिपिन पमणिया, दीव। बाबा रामदेव की पतंजलि ने कोरोना की दवा कोरोमिल बाजार में उतारी है। योग गुरु का दावा है कि यह दवाई की वजह से 7 दिन में मरीज ठीक हो सकता है। ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी जीत है। दूसरी ओर आयुष मंत्रालय ने कंपनी को दवाई का विवरण प्रदान करना और इस तरह के दावे को प्रचलित करने से रोक के लिए कहा है और पतंजलि को पुरावा रखने को कहा गया है। दोस्तों, दिन भर की खबरें सुनने के लिए दमन सराज की ओर से पंकज पटेल आपका आभार व्यक्त करता है।